उनको मैं संदेश देना चाहती कि भाई ये डेरा सच्चा सौदा खुली किताब है, आप आइए आकर देखिए, देखिए तो सही जहाँ हो क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। चर्चा कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बाहर जो साथ संगत आ रही है, आज क्या प्रोग्राम हुए, क्यों आज भी इन लोगों का विश्वास ज्यों के त्यों सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के प्रति बना हुआ है। बातचीत करते हैं लोगों से, महिलाएँ हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम अमनदीप कौर है जी। अमनदीप कौर जी, आज हम देख रहे हैं कि सुबह से ही काफ़ी भारी तादाद में संगत आ रही है, क्या प्रोग्राम था आज, किसके तहत इतनी भारी तादाद में संगत पहुंची? जी जे जो आज का दिन जो मनाया जा रहा है वो हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के गुरगद्दी दिवस को समर्पित जो एक नाम चर्चा के तौर पर एक भंडारा मनाया जा रहा है पंजाब की संगत के द्वारा। जे हमारे गुरु जी को 30 साल हो गए हैं गुरगद्दी आए पर, 1990 से लेकर आज तक हमारे गुरुजी तूफान मेल की तरह काम कर रहे हैं। 142 कार्य जो चल रहे हैं मानवता भलाई के, उनमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग नौजवान सभी वर्ग के लोग यहाँ आते हैं और अपनी श्रद्धा को लेकर आते हैं। उनकी श्रद्धा सच्ची श्रद्धा है, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह सच्ची श्रद्धा है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि मैं कितनी कक्षा में पढ़ती थी जबकि मैंने नाम लिया है। उनसे लेकर आज तक मेरी शादी भी डेरा में ही हुआ, मैं ग्रीनस की मेंबर भी हूँ, जूथ बिरांगने की भी मेंबर हूँ मैं। और मैं इस आपके माध्यम से लोगों में जो गलत आंसर हमारे गुरुजी पर दोष लगा रहे हैं उनको मैं संदेश देना चाहती कि भाई ये डेरा सच्चा सौदा खुली किताब है, आप आइए आकर देखिए, देखिए तो सही जहाँ हो क्या रहा है। आप आएंगे तो आप 100% हमसे जुड़ेंगे। जे नहीं कहे हम नोटो वोटो का चक्कर है, जे कोई चक्कर नहीं है नोटो वोटो का। आप आइए जहाँ हर गरीब वर्ग से लेकर लोड़बंद जो व्यक्ति हैं उनकी सहायता के लिए गुरुजी ने बोला है, हम उनमें बहुत योगदान करते हैं और करते रहे हैं। हमारे गुरु सच्चे थे, सच्चे हैं और सच्चे ही रहेंगे। 5 साल हो चुके हैं वो समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ा है समाज पर उनके ना रहने से? जी नहीं, प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ा, बल्कि आप देख सकते हैं संगत उनसे भी ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर आ रही है। जो घर में बैठे थे, अभी 1 महीना हुआ है गुरुजी 17 जून को आए थे यूपी बरनाभा आश्रम में, तो आपने देखा कि वहाँ 1 महीने के दौरान तकरीबन 80,000 लोगों ने, 80 लाख लोगों ने जो नामदान की दात ली है उनसे, और वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आज यही आपके माध्यम से प्रार्थना करते हैं। महिलाएं कितनी सुरक्षित है डेरा के अंदर? जी बिल्कुल सेफ हैं, जितनी महिलाएं डेरा सच्चा सौदा के अंदर सुरक्षित हैं और कहीं भी नहीं है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। क्योंकि जहां सभी उम्र के बच्चों को बच्चा माना जाता है, बेटियों को बेटियां और माँ बाप के दर्जा दिया जाता है, इनसे सेफ कहीं भी नहीं है। किस धर्म की यहां पर शिक्षा दी जाती है, गुरु जी किस धर्म को मानते हैं? सभी धर्मों को मानते हैं। जो आप निशान देख रहे हैं जो इंसा लॉकेट, ये इसीलिए बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं चारों धर्म का निशान है, चारों धर्मों को बराबर मानते हैं और मानते ही रहेंगे। जी क्या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम यही अपील करते हैं कि हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, उन्हें जल्द से जल्द परमानेंट बाहर लेकर आए ताकि समाज में और भी बहुत बुराइयां हैं उनसे हम छुटकारा पा सके। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो ये अमनदीप कौर थे जिन्होंने रियल फैक्ट्स एंड डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में बताए और मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी उनको समाज के बीच लाया जाए। आपके क्या विचार है वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद।